अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शफी अहमद है और मेरे साथ मेरे दोस्त यहाँ पे, जिनको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। हम सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई, इसका नाम है पेट्रियट्स ऑफ पाकिस्तान। और हमारा बेसिकली मकसद जो है वो तो पाकिस्तान के लिए है, लेकिन हमारा जो सारा मोहब्बत है वो इमरान खान के लिए है। और आप लोग भी आज इसी वजह से यहाँ आए, और आप लोगों का शुक्रिया। हमने जो लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था माशाल्लाह, वो बहुत ही सक्सेसफुल भी था, क्योंकि उसमें काफ़ी बहुत लोग आए थे। पर अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो है हमारा वो क्राउड नहीं पुल कर सके जो लास्ट टाइम हमने किया था, बट दैट्स ओके। तो सबसे पहले मैं जो उस इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग रिसाइटेशन ऑफ कुरान के साथ। और क्योंकि हर काम अच्छा काम करने से पहले हमें अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, तो मैं अपने दोस्त मुजाहिद से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आके रिसाइटेशन ऑफ कुरान कुछ दुआ पढ़े प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। आई मीन आई एम हियर एंड प्लीज थैंक यू शफी भाई फॉर इनवाइटिंग अस टू कम हियर। आई रियली थिंक दिस इज अ ग्रेट काज, इमरान खान। आई मीन फ्रॉम माय हार्ट, आई मीन आई जस्ट थिंक दिस इज अमेजिंग। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम अपने सारी बातें कि हम इस मुल्क पे रहते हैं, ये हमारी मुल्क की हमारी शिनाख्त है, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो हम जो है सबसे पहले जो है वो अमेरिकन एंथम से प्ले करते हैं, तो मैं शाहिद भाई से बोलूंगा जरा वो उसको प्ले करते हैं प्लीज। They always say Kim never sticks to her New Year's resolutions, but this year she was पाकिस्तान का एंथम प्लीज। इसको हम सबको गाना चाहिए। ईश्वर हसीन जानबाज, तू जाने अजमे आलीशान, अर्ज पाकिस्तान जानबाज, सरजमी का निजाम, कुव्वते कुव्वते अवाम, मुल्क सल्तनत पाइंदा का बिंदाबा, शानदार मंजिले बुरा, परचमे सितारा हो हिला, रहबरे तरक्कियों का मां, जुमाने माजी जाने हाल जाने इस तक्वा, साया खुदाए जुल जला। अच्छा, सबसे पहले
पहले मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा प्लीज, और ये सब कुछ उन्हीं की वजह से मुमकिन होता है और हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो जब भी हम कोई सोचते हैं मिलकर सोचते हैं और ये सब लोग साथ हमारे खड़े हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने हसन शाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर हमारे रजा नकवी, फिर जावेद नकवी, अपना वसीम हैदर अली शेरवानी, और आतिफ नहीं आ सका, उसको एक जगह जाना था, बेचारे शिकागो में है वो, और यासिर जो हमारा आईटी का है वो बेचारे यूसिन में, लेकिन हम जब भी उसको तंग करते हैं वो फौरन हमारी हेल्प कर देता है। तो मैं आप इन सबके लिए भी एक राउंड ऑफ अप्लॉज करें प्लीज, चूंकि इनके बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो मैंने इनको अपने साथ इसलिए खड़ा किया है कि ये हमारे इस फंक्शन की जान, लास्ट टाइम तो जान थे और अभी भी जान है, तो मैं इनसे पहले स्टार्ट करवाऊंगा, फिर हम थोड़ी सी स्पीच करेंगे, फिर मैंने इनसे बोला कि भाई आप नारे लगवाएं और हम सब, हाँ तो मरियम, मरियम के पापा चोर है तो ये कुछ नारे लगाएंगे, आप इनका साथ देना है एवरीबॉडी प्लीज। मेरे से ज्यादा आपकी आवाज नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, हाजरी जारी, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, शरीफ सरदारी ना मंजूर, शरीफ सरदारी ना मंजूर, नानी चोर नानी चोर ना मंजूर, शरीफ सरदारी शाबाश बेकारी ना मंजूर, शाबाश बेकारी ना मंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, हम छीन के लाएंगे आजादी, हम छीन के लाएंगे आजादी, हम छीन के लाएंगे आजादी, ये हक हमारा आजादी, जोर ना बोलो यार, ये हक हमारा आजादी, हम छीन के लाएंगे आजादी, मेरी बहने मांगे आजादी, मेरे भाई मांगे आजादी, चज्जू से लेंगे आजादी, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, ये जनरल कर्नल ना मंजूर, ये जनरल कर्नल ना मंजूर, ये फैसल नसीर हिटलर, ये फैसल नसीर हिटलर ना मंजूर, ये पांचवा हिटलर ना मंजूर। थैंक यू, अब यही रही जाइए नहीं, आपकी जरूरत पड़ती रही है। अच्छा जी, तो आपको, अब सब आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मकसद था लास्ट टाइम ये था कि इमरान खान को एक साजिश के तहत हटाया गया, उस कॉन्स्पिरेसी में बहुत लोग शामिल थे, और जिस तरह टाइम चलता चला गया और उसके बाद जो चीजें होती चली गई वो हम सब उस चीज से वाकिफ हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही था आज की यहाँ पे आने के बाद कि हम ये एहतजाज रिकॉर्ड करा सके कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की शान है, आन है, पाकिस्तान का नाम है, और हम सब की मोहब्बत इमरान खान के लिए। मेरा सर इस स्पीच में जो मैं कहना चाहता हूँ वो सिर्फ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें पाकिस्तान में 1947 के बाद से लेकर हमारे को आज 2022 तक हमें एक एस्टेब्लिशमेंट ने हमें बताया कि एट दी एंड आके कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है, फिर उन्होंने उसी चोरों को हटाया, फिर दूसरे चोर को लेकर आए, फिर दूसरे चोर को हटाया, कहा गया कि ये नहीं ये सही है इसको दोबारा लेकर आओ। इन्होंने पाकिस्तान का जो मजाक उड़ाया है इतने सालों में, हमारे सामने बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में, आज आप जाके उसका GDP चेक करें, उसकी इकोनॉमी चेक करें, वो हमसे बहुत आगे, हमारी करेंसी रोजाना डीवैल्यू होती चली जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने इमरान खान को ही कहकर हटाया कि जो पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी खराब हो रही है, इमरान खान जो है बेसिकली वो इनकॉम्पिटेंट है, इमरान खान के साथ इन्होंने जो ज्यादती की है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्होंने कि हर आदमी को ये कंट्रोल कर सके। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोगों को, आज जो वीडियोस के बात करते हैं, लोगों की वीडियोस निकल निकल के आ रही है, और लोगों की घर के अंदर की वीडियो आज जो है कि मियां बीवी के रिश्ते की, इतने पाक रिश्तों को भी इन लोगों ने नापाक करने की कोशिश की है, ये इतना गिर चुके हैं। इन्होंने लोगों के साथ जो ज्यादती की है आज पाकिस्तानी कौम के साथ, 22-23 करोड़ की जो कौम है उसके साथ क्या ज्यादती हो रही है। इन्होंने चोरों, आज वही चोरों लुटेरों को जिनको इन्होंने हमें बताया कि चोर है और ये लुटेरे हैं, आज मिलके इन्होंने उनको एक जगह बिठाया, उनके साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी की, और आज इमरान खान को उन सबने मिलकर हटाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इमरान खान जो था वो शुरू से हक पे था, उसने हमेशा मुल्क के बारे में सोचा, उसने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस मुल्क में रहता हूं, मैं इस मुल्क से नहीं जाऊंगा। आज उसने अपनी वसीयत तक में बोला कि जो भी मेरे साथ से वो शौकत खानम को जाने चाहिए। इमरान खान इस मुल्क को एक नाम दिया, उसने एक पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन की,
आज दुनिया में लोग इमरान खान को जानते हैं, कौन इन चोरों को जानता है। आज भी वो डेली मेल के केस में शहबाज शरीफ जो है वो जलील हो रहा है। आज भी उसका डिफेमेशन सूट जो है वो फेल हो गया। आज उसको कल अभी जेल से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हमारा मीडिया इतना बिका हुआ है पाकिस्तान में कि वो ऐसी कोई न्यूज शेयर करना ही नहीं चाहता है जो इस मीडिया के खिलाफ हो। हर चैनल जो है वो इनके गुण गाने की कोशिश करता है और उन चैनलों को मैसेज जाते हैं। किससे जाते हैं? इन बर्दियों से जाते हैं। किसी नवाज शरीफ में, सतारी में, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके जो है ये सब काम करा सके। उन सबकी प्रोटेक्शन एक ही एजेंसी करती है। हमें मुल्क को चलाने के लिए इन्होंने हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया है। आज इमरान खान ने इन सब को एक्सपोज किया है, सबको। इन लोगों ने पाकिस्तान का मजाक बना के रखा हुआ है। दुनिया तरक्की कर रही है और हम पीछे जा रहे हैं। इतना पीछे जा चुके हैं कि अब शर्मिंदगी होती है बोलते हुए लोगों को कि हम कोई पूछता है कहां से बोलते पाकिस्तान से। अच्छा 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 अच्छा, अफसोस होता है जैसे लोगों को। इमरान खान था, हमें अपने पासपोर्ट पर जो लोग कैरी करते थे पाकिस्तान में, वो फख्र महसूस करने लगे थे। पहली बार हमारे मुल्क के अंदर ऐसी चीजें हो रही थी कि लोग बोलते यार पाकिस्तान वाकई कहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके ऊपर इन्होंने जो है इतनी घिनौनी हरकतें उसके साथ की है, इमरान खान के साथ, कि यानी उन्होंने उसको जो है वो इस्लामिक कार्ड उसके ऊपर खेलने की कोशिश की। इन्होंने लोगों को यह बताने की कोशिश की कि इमरान खान जो है बेसिकली है वो रिलीजियसली भी सही आदमी नहीं है, ताकि कोई सरफेरा पाकिस्तान में इमरान खान को ये कह के मार दे कि इमरान खान जो है वो नाज़ुबल्लाह इस्लाम और रसूल के खिलाफ बातें करता है। जबकि हम सब इस बात के गवाह हैं कि यूनाइटेड नेशन की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक बंदे ने खड़े होकर यूनाइटेड नेशन के अंदर इस्लामोफोबिया के बारे में बात की, उसने रसूल अल्लाह के बारे में बात की, उसने ये जरूर बताया लोगों को कि हमारे रसूल कितने करीब हमारे दिल के। कोई ऐसा काम नहीं करो जिससे हमारे मुसलमानों को जो है तकलीफ हो, हर्ट हो वो लोग। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, किसी ने किया आज तक? नहीं किए, किसी ने भी नहीं किया आज तक। वो अपने हक के लिए लड़ दिया, वो हमारे हक के लिए लड़ रहा है। हमारे सबके लवर्स जो है पाकिस्तान में, मेरे वाले सब पाकिस्तान में, मेरे रिश्तेदार पाकिस्तान में, आप लोग भी रिश्तेदार सब पाकिस्तान में। आज आप देखें महंगाई का क्या हाल है वहां पर, हर आदमी परेशान घूम रहा है और ये बैठे हुए आराम से और तड़िया लगाते इमरान खान को, उसने गोले चलवा दी। यानी आप कुछ नहीं मिला तो उसको असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहे हैं उसके ऊपर। ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है उसके साथ। मजाक बना दिया इस पूरे मुल्क को इन्होंने। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे एट दी एंड ऑफ द डे राइट कि हम पाकिस्तानी हैं। इन्होंने हमारा वोट तक छीनने की कोशिश की। उनको पता था कि हम सारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज रहते हैं हम इमरान खान को ही वोट देंगे। उन्होंने वो ईवीएम मशीन जो थी उसके ऊपर इन्होंने, और वो आर्मी भी नहीं कराया। इनकी हिम्मत ही नहीं है ये कुछ कर सकते हैं। ये चोर है, लुटेरे, इनको पता है कि ये चोर थे। इनको पता है कि सारी कारस्तानियां जो है आर्मी के पास है। दे हैव मैनिपुलेटेड दिस कंट्री फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और मैं हम सब अपनी फौजी से मोहब्बत करते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपनी फौज के लिए बुरी बात करेगा। लेकिन हमारी फौजी जो है बेचारे जो सरहदों पर खड़े हुए, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात करें जनरलों की। इन्होंने मुल्क को बेचा है। ये रिटायर होते हैं और ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और कनाडा जाके रहते हैं, अमेरिका में कहीं जाके रहते हैं। अभी ये सुना आपने कभी भी इस मुल्क दूसरे मुल्कों में कि बाहर इंडिया के रिटायर जनरल जो है उन्होंने कॉलोनियां बनाई हुई कनाडा के अंदर, आराम से रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, यहां से अपने बच्चों को भेजते हैं। आप खुद अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिग इंस्टीट्यूशन और पाकिस्तान को इज्जत होनी चाहिए, आपको कुछ वकार होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए। अगर आप जनरल हैं आप मुल्क नहीं छोड़ सकते। लेकिन आपने तो मजाक लगा के रखा पूरे पाकिस्तान का, इट्स अ जोक। एक आदमी अपने बच्चों को छोड़ के इंग्लैंड में रह रहा है पाकिस्तान आके, वो बेचारा अपने बच्चों से नहीं मिलता। अब जाके 3 साल बाद उसने अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी की जो प्राइम मिनिस्टर बना, तब भी उसने अपने बच्चों को नहीं बुलाया, वो उनसे दूर रहा। कौन ऐसा वालिद है? हम सब जानते अच्छी तरीके, कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता? उसने उसके लिए भी सेक्रीफाइस किया। वो आराम से इंग्लैंड में सकून के साथ रहता। लेकिन हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये है सबसे बड़ा कि हमारी कौम यूनाइटेड नहीं है, हमारे अंदर चोर है। जब हमारे पाकिस्तान में लोगों के अंदर, मैं तो खैर बड़ा सरप्राइज भी था कि जब इमरान खान को हटाया गया और लोग निकल कर आ गए, लेकिन आज भी मेरी ये दुआ है कि पूरी कौम अगर कर रोड लेकर के आ रही, कितनी गोले चलाएंगे, इतने सीने होने चाहिए कि गोले खत्म हो जाए, सीने खत्म नहीं हो। और हमारा मकसद जो था जमा होने का यही था कि हम ये बेसिकली प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि हम सब यूनाइटेड है, हम सब ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के साथ है। आपका कहां है हमारे? हाँ, हमारे दोस्त कहां गए? आप उधर चले गए, पानी पीने तो नहीं चले गए आप?
मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ, आ जाए आप। और अशद शरीफ मरूम शहीद, आप देखें उस बेचारे के साथ क्या किया गया है। इन्होंने इमरान रियाज खान को ढाके बंद कर दिया, यानी जो इनके बारे में बात करता है, अरशद शरीफ ने बोला वो कौन था, उसका हर बात में जुमला ये था, वो कौन था जिसने ये काम किए, वो कौन था, उसे इतने सवाल इनसे पूछे कि इन्होंने उसको मरवा दिया और तशद्दुद के साथ मरवाया है। यानी अब उस मुल्क में आप अपनी आवाज उठाने के लिए निकलेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। यानी वो हम कहते थे कि जी अल्ताफ हुसैन की पॉलिसी ऐसी है कि वो लोगों को मरवा दिया करता है जो उसके खिलाफ होता है। आप इसे पूरे मुल्क के अंदर याद बना दिया अल्ताफ हुसैन वाला। और ये अरशद शरीफ मरूम आवाज उठाता रहा, 16 FIA का फाइल उसकी। शहीद की जमात है, कौम की हयात है। शहीद की जमात है, कौम की हयात है। अशरफ की और अशरफ की जमात है, कौम की हयात है। शहीद की जमात है, कौम की हयात है। शहीद की जमात है, कौम की हयात है। खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। अरशद का खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। शरीफ जरदारी नामंजूर, शरीफ जरदारी नामंजूर। शहबाज भिखारी नामंजूर, शहबाज भिखारी नामंजूर। ये बिल्लो रानी नामंजूर, ये बिल्लो रानी नामंजूर। ये चोर ये नानी नामंजूर, ये चोर ये नानी नामंजूर। ये जनरल कर्नल नामंजूर, ये जनरल कर्नल नामंजूर। ये जनरल कर्नल नामंजूर। ये पांचवा हिटलर नामंजूर, ये पांचवा हिटलर नामंजूर। तो मैं फिर अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि हमने जो है पाकिस्तानी होने के नाते हमारा जो फर्ज बनता है राइट, वो हम अपने तौर पे इमरान खान के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं बाहर से बैठ के अमेरिका से, हमें वो करना चाहिए। यू नो उसके लिए हमें इमरान खान तो एक अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया है, अल्लाह ताला ने उसका हाथ थामा हुआ है और अल्लाह का इतना शुक्र है कि वो उसका तलाना हमने में उसको ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ना करे नासुबिल्लाह कि वो मर जाता बेचारा। कोशिश तो उन्होंने पूरी की उसको मारने की। तो हमारा ऐसा ओवरसीज पाकिस्तानी का फर्ज है, हम यूनाइटेड रहे, हम इमरान खान की हर जब भी वो हमें आवाज दे किसी भी किस्म के इस काम के लिए हम यूनाइट होना चाहिए उसके लिए। हमें अपने लोगों को कन्विंस करना चाहिए, यू नो जितने भी हमारे लोग दोस्त हैं यहाँ पे रहते हैं, यू नो हम जितने भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपने बलबूते पे और सिर्फ इसके अंदर उससे स्टेटों में, हमें वो उसके लिए भी पुश करना चाहिए अपने दोस्तों को फैमिलीज को कि भाई जाए जहाँ भी आपको सुनने में आता है आप उनको बोले अटेंड कर सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कई लोगों का यहाँ पे जो मैसाचुसेट्स से भी आए और ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क से भी आए और स्टैनफोर्ड से भी आए और इतनी दूर दूर से आए। देखिए देखिए सबका मकसद आने का एक ही था, वो मकसद सिंपल ये था कि हम आज जमा होंगे और हम एक प्रोटेस्ट करेंगे और एक पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी को जो है ना वो तेवर चलाना नहीं है, ना ही हम कोई बसें चलाने वाले हैं, ना कुछ करने वाले हैं। हमारा मकसद ये कि हमारी जान और हमारी शान वो है इमरान खान।